नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फसल नुकसान के नियमों में दी गई छूट, खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में होगी छूट। बाराबंकी जिले के किसान फूलों की खेती कर हो रहे मालामाल, नुकसान की भरपाई करें कम खर्चे और कम अवधि की फसलें उगाकर। गर्मी के मौसम में भिंडी की खेती फायदे का सौदा, गन्ना किसानों की बकायेदारी को लेकर होगी बैठक और किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए आरबीआई ने भी किया राहत का इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने फसल नुकसान की भरपाई से जुड़े नियमों में ढील देने की घोषणा की है। अब जिन किसानों की फसल का 33% बर्बाद हुआ है उन्हें भी आर्थिक मदद मिलेगी, जबकि इससे पहले तक कुल फसल के 50% नुकसान पर ही सरकारी सहायता मिलती थी। साथ ही किसानों को मिलने वाले मुआवजे को 1.5 गुना बढ़ाने का भी सरकार ने फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने बैंकों से प्रभावित किसानों के ऋण का पुनर्गठन करने और बीमा कंपनियों से उनके बीमा दावों का तुरंत निपटान करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे पहले भी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में किसानों की मदद के जो मानदंड रखे गए थे उनसे किसानों को ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री के मुताबिक पिछले साल ऐसा कम बारिश की वजह से हुआ और इस साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान को नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री के मुताबिक बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के कारण देश भर में 113 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल को नुकसान हुआ। इसके लिए बैंकों से कहा गया है कि वे बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के ऋण का पुनर्गठन करें। किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार इस बार बड़े कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों से कहा है भारतीय खाद्य निगम के साथ संयुक्त टीम बनाकर गेहूं के नमूनों की भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय प्रयोगशाला में जांच कराकर नतीजे भेजें, ताकि उनके आधार पर खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में छूट दी जा सके। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग हर साल गेहूं की खरीद शुरू होने से पहले विशेषज्ञों की एक समिति, जिसमें राज्यों के खाद्य सचिव भी शामिल होते हैं, इनके आधार पर खरीदे जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करती है। जब बेमौसम बरसात या अन्य किसी कारण से गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, तब राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा खरीद केंद्रों से गेहूं के नमूने एकत्र कर उनकी जांच के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इन मानकों में छूट दी जाती है, ताकि किसानों का अहित ना हो और उनके द्वारा उत्पादित गेहूं की सरकारी खरीद हो सके। बाराबंकी जिले के कई किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। इनके फूलों की बिक्री लखनऊ, गोरखपुर और दिल्ली में होती है। फूलों की खेती से हर साल ये किसान लाखों कमाते हैं। पिछले 15 साल से ग्लेडोलस, जाफरी और गुलाब जैसे फूलों की खेती कर रहे ये किसान फूलों की खेती को बाकी पारंपरिक फसलों से ज्यादा असरदार मानते हैं। ये किसान ग्लेडोलस, गुलाब, गेंदा जैसे कई फूलों की खेती करते हैं। इनका कहना है कि सबसे बढ़िया कमाई ग्लेडोलस से होती है, क्योंकि यह 5 माह में तैयार हो जाता है और एक बार की फसल में 2 से 3 लाख तक की कमाई हो जाती है। किसानों के मुताबिक ग्लेडोलस फूल की खेती उन किसानों के लिए अच्छा अवसर है जो कम समय में बढ़िया कमाई करना चाहते हैं। ग्लेडोलस और बरसाती गेंदे की खेती के बारे में उद्यान विभाग सरोजनी नगर लखनऊ के वैज्ञानिक बताते हैं कि किसान वर्ष भर में ग्लेडोलस और गेंदे की 2 फसलें उगा सकते हैं। ग्लेडोलस की बुआई मार्च माह से अप्रैल के मध्य तक और दिसंबर में की जाती है। प्रदेश में फूलों का उत्पादन स्तर बढ़ाने और बड़े स्तर पर फूलों की खेती करने वाले किसानों को सरकारी सहायता की बात करें तो सरकार 4000 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस लगवाने पर 50% तक का अनुदान भी दे रही है, जिसमें अब बीज और अन्य पौध सामग्री साथ ही कृषि उपकरण भी शामिल कर लिए गए हैं। बारिश से बर्बाद हुई फसलों से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसान कम खर्चे और कम अवधि वाली फसलें लगाकर कुछ प्रतिशत तक कर सकते हैं, जैसे अप्रैल से जुलाई के बीच लौकी, तोरई, टमाटर, बैगन, लोबिया और मेंथा जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं।
बेमौसम हुई बरसात से प्रदेश भर में गेहूं, दलहन और तिलहन को मिलाकर कुल 26.62 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों और जागरूक किसानों ने प्रदेश के किसानों को कम समय में ज्यादा उपज देने वाली फसलें लगाने की सलाह दी है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अधिकतर किसान गेहूं काटने के बाद धान की रोपाई तक खेत को खाली छोड़ देते हैं। अगर इसी दौरान किसान कम अवधि वाली फसलें जैसे लौकी, तुरई, कद्दू, टमाटर, बैगन, लोबिया, बाजरा, मेंथा आदि की बुवाई कर लें तो उन्हें बेहतर मुनाफा मिल सकता है। किसान इस समय मक्के की पाइनियर 1844 किस्म की बुवाई कर सकते हैं। ये किस्म मक्के की दूसरी किस्मों के मुकाबले कम समय के साथ साथ अच्छी पैदावार भी देती है। किसान सम्राट किस्म की मूंग की बुवाई कर सकते हैं। ये 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है और 1.5 से 2 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसकी पैदावार भी होती है। इसमें प्रति बीघे कुल खर्चा सिर्फ 400 से 450 रुपए तक आता है। किसान भाई उड़द की 54 किस्म की बुवाई इस समय कर सकते हैं। ये फसल भी 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है और प्रति बीघे 1 से 1.5 क्विंटल की पैदावार होती है और इसका प्रति बीघे कुल खर्च 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक ही आता है। किसान भाइयों, गर्मियों की सब्जी में भिंडी का प्रमुख स्थान है। ग्रीष्मकाल में भिंडी की अगेती फसल उगाकर किसान अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। मुख्य रूप से भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों के अतिरिक्त विटामिन ए, सी, थायमिन और रिबोफ्लेविन भी पाया जाता है। भिंडी के फल में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। भिंडी का फल कब्ज रोगी के लिए विशेष गुणकारी होता है। भिंडी के उत्पादन के लिए गर्म मौसम अनुकूल होता है। सामान्यतः भिंडी की खेती सभी प्रकार की भूमियों पर की जा सकती है, लेकिन हल्की दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश उपलब्ध हो, साथ ही उचित जल निकास की सुविधा हो, भिंडी की खेती के लिए सबसे बढ़िया होती है। उन्नत किस्मों की बात करें तो भिंडी की अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभड़ी क्रांति, पूसा A4, वर्षा उपहार किस्में मुनाफा और उपज देने वाली होती हैं। गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर अब 19,000 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया है। किसानों की इस दयनीय हालत पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खाद्य मंत्रालय ने सभी गन्ना उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक 16 अप्रैल को आयोजित की है। इसके एक दिन पहले यानी 15 अप्रैल को गन्ना किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकायेदारी की बात करें तो ये बकायेदारी 9,715 करोड़ की है। किसानों की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों को मुआवजा बांटने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि यानी SDRF से 100 करोड़ रुपए और जारी किए हैं। किसानों के लिए सरकार के अलावा रिजर्व बैंक यानी RBI ने भी राहत का इंतजाम किया है। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि जिन किसानों की फसलें बारिश और ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हुई है उनके कर्ज का पुनर्गठन किया जाए। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भाव की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,460 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1,505 रुपए प्रति क्विंटल और जौनपुर की मंडी में गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2,010 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ की मंडी में 1,920 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 2,040 रुपए प्रति क्विंटल और जौनपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 1,970 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भाव पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सरसों 3,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी, अलीगढ़ की मंडी में सरसों का भाव 3,550 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में सरसों का भाव 3,310 रुपए और जौनपुर की मंडी में सरसों का भाव 3,590 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 350 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ की मंडी में आलू 360 रुपए प्रति क्विंटल,
रामपुर में आलू 400 रुपए और जौनपुर की मंडी में आलू का भाव 545 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। आखिरी में एक नजर टमाटर की कीमतों पर। आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1500 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में टमाटर 1220 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 1225 रुपए प्रति क्विंटल और जौनपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 1250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचार के अगले अंक में। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो, जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह, 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हम सभी जानते हैं कि दिन पर दिन हमारी जोत छोटी पड़ती जा रही है और ऐसे में हम गेहूं, गन्ना, धान की खेती करके अच्छा लाभ नहीं कमा सकते। आज जरूरत है वैज्ञानिक और तकनीकी खेती की तरफ मुड़ने की और इसी का एक हिस्सा है औषधीय पौधों की खेती। औषधीय पौधों की खेती हम किस तरह से करें, कैसे अच्छा उत्पादन लें, कैसे इनसे अच्छा मुनाफा प्राप्त करें और कैसे इसे बाजार तक पहुंचाएं, इस विषय में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सदान सिंह, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सीमैप लखनऊ से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि औषधीय पौधों की खेती की उपयोगिता क्या है? देखिए, औषधीय पौधों की खेती की जो उपयोगिता है वो सबसे बड़ी उपयोगिता ये है
कि ये जो औषधीय फसलों की खेती केवल खेती नहीं है, एक तरह से किसानों के लिए व्यवसाय का एक पर्याय है जी। और उपयोगिता अगर दूसरी खेती की तुलना में देखी जाए तो दो तीन चीज़ें बड़ी याद रखने की हैं कि एक तो ये है कि फ़ायदा अच्छा देती हैं, दूसरा ये है कि आपकी जो फसलें हैं उनके साथ समायोजित की जा सकती हैं अंत्य फसल के रूप में या फसल चक्र में, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपकी दैवीय आपदाएं हैं इनकी विशेष प्रकृति के कारण, चाहे वो ज़्यादा वर्षा की समस्या हो, चाहे वो सूखा की समस्या हो, चाहे वो ओले की समस्या हो, वहाँ पर ये अपेक्षाकृत इनकी जो मार से हैं बहुत कम प्रभावित होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम पूरी तरीके से औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, और जो परंपरागत खेती है उसके साथ भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो मौसम का नुकसान हो जाता है वो भी कम होगा। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनकी हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। जी देखिए, औषधीय पौधे तो वैसे 10 या 15 हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो 5 पौधे जो है बहुत ही आर्थिक रूप से उपयोगी हैं, जिनकी सफल खेती किसान कर सकते हैं, जिनमें सबसे बढ़िया पौधा है अश्वगंधा, दूसरा पौधा है कालमेघ, तीसरा पौधा है सनाय जिसको सेना भी बोलते हैं, और चौथा पौधा है सर्वगंधा, और 5वां पौधा है सतावर। इनकी खेती में किसान बड़ी अच्छी तरह से प्रवेश कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने 5 पौधों के नाम बताए जी, अब हम चाहेंगे कि बारी बारी से संक्षेप में आप बताइए कि इनकी खेती कैसे की जाए। जी देखिए, खेती से पहले होता है उपयुक्त जगह का चुनाव। जी, खेत का चुनाव। खेत का चुनाव जी, और मैं जो कह रहा था जगह का चुनाव का मतलब ये होता है कि किस क्षेत्र में कौन सा पौधे की खेती करनी चाहिए। जैसे हमारे बुंदेलखंड के लिए अलग पौधा हो सकता है और आपका गोरखपुर के लिए दूसरा पौधा हो सकता जी, है जी। तो अश्वगंधा, अश्वगंधा एक ऐसा फसल है जहां पर थोड़े से सूखाग्रस्त क्षेत्र है, उनका चुनाव करना चाहिए। कम पानी की जगहों पर, कम पानी की जगहों के लिए बढ़िया फसल है, और ज्यादा पानी इसके लिए नुकसानदायक जी। तो सूखाग्रस्त हमारे जो क्षेत्र हैं उनके लिए इस पौधे का चुनाव करना चाहिए। चुनाव करने के बाद इसकी खेती का जो सही समय है वो है जब मानसून समाप्त हो रहा हो, उस समय इसके बीज की बुवाई की जाती है। बरसात खत्म होने के बाद। जी, बरसात खत्म होने के बाद नहीं, समाप्त होने पर जा रहा हो जी, जी। और क्योंकि थोड़ी सी नमी चाहिए बीज के जमीन के लिए, और असंचित क्षेत्रों में करना है, तो बाद में हो सकता है सूखा इतना हो जाए जमा, बीज भी ना जमा हो। तो जब मानसून समाप्त हो, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रिसेशन, तो उस समय इसकी सही समय है बोने का। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई अश्वगंधा की, जहाँ पर पानी कम है, लेकिन हमारे प्रदेश की संरचना कुछ ऐसी है कि कहीं कहीं पानी की अधिकता भी है। जी जी, तो जहाँ पानी की अधिकता है वहाँ के लिए कौन सी औषधि फसल? हाँ देखिए, पानी की अधिकता के लिए जो है सर्पगंधा जी, नाम ऐसा ही है, थोड़ा उल्टा था इसके ही। जी जी, ये अश्वगंधा है वो सर्पगंधा जी जी, लेकिन सर्पगंधा जिसका राउल्फिया सर्पेंटाना कहते हैं, ये बहुवर्षीय फसल है जी, बहुवर्षीय फसल है, और ज्यादा पानी दलदल वाले इलाके जहाँ दलदल है, पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इसकी खेती और छायादार स्थानों में खास करके इसकी खेती की जा सकती है। और ये जो है बहुवर्षीय, 2 साल बाद खोदी जाती है, और 2 साल बाद जो इसकी जड़ें हैं वो बाजार में बहुत अच्छे भाव पर बिकती हैं, और एक तरह से ये जो हमारा जो ब्लड प्रेशर जी से संबंधित जो बीमारी है, रक्तचाप, रक्तचाप से संबंधित बीमारियों में इसकी इतनी उपयोगिता है कि जितनी बाजार में मांग है उतनी इस समय खपत नहीं हो पा रही है जी। कहने का मतलब इसकी बाजार में बड़ी कमी है, बाजार में बिकने में कोई दिक्कत नहीं, उपलब्धता की कमी है। ये कालमेघ है, कालमेघ बहुत अच्छी फसल है, और ये अरहर के साथ जो छायादार स्थान है सह फसली के रूप में बहुत ही है। ये भी बरसात में शुरू होती है, बरसात के बाद सितंबर में कट जाती है, तो ये वर्षा ऋतु की फसल है और बहुत ही लाभप्रद है। इसका कोई भी भाग बेकार नहीं होता, जड़ तक बिक जाती है, सब उपयोगी है, सब उपयोगी है, और इसकी बहुत अच्छी भाव है, बहुत अच्छी उपज है, और किसानों को इससे फायदा तब ज्यादा होता है जब इसको सह फसली के रूप में करें बजाय शुद्ध फसल जी। और एक पौधा रह गया अभी जिस पर हम लोग बात करेंगे, हाँ, वो है सतावर। देखिए सतावर, सतावर एक जड़ वाली फसल है, और सतावर जो है बहुत ही उपयोगी फसल है। आप बाड़ के रूप में इसकी खेती कर सकते हैं, खेत के चारों तरफ जी, आपके नदियों के किनारे हैं। इसके लिए अगर बलुई जमीन है, आपके ऊंचे नीचे जमीन है, ये भी कम पानी में चल जाता है, लेकिन बरसात में लगा दिया जाए और फिर इसकी खेती भी 1.5 से 2 साल की फसल होती है, 1.5 से 2 साल की फसल के रूप में इसकी खेती की जाती है। और सतावर की जड़ें आप जानते होंगे, आदमियों के लिए तो इससे बहुत सारी दवाएं बनती हैं, लेकिन जानवरों के लिए खास करके दूध बढ़ाने के लिए इससे बहुत सारी दवाएं बनती हैं। ये भी बाजार में ऐसा पौधा है जिसकी जितनी पैदावार हो उतना ही बिक जाता है जी।
कहने का मतलब है कि आपकी जितनी तरह की हमारी जितनी तरह की जमीनें हैं उनके लिए कोई ना कोई पौधा उपयोगी है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न ये उठता है कि हमारे किसान भाई करना तो चाहते हैं जी सुनते भी हैं जी, लेकिन वो किस तरह से विधिवत उसकी शुरुआत करें, कहाँ से प्रशिक्षण लें, कहाँ से बीज प्राप्त करें, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ देखिए, इस संदर्भ में केंद्रीय औषधीय एवं सघन पौधा संस्थान जो कि भारत सरकार का संस्थान है जी, उसका काम ही है कि औषधीय एवं सघन पौधों पर जी कार्य करे और तीसरी तरह की फसलों पर वहाँ पर कार्य नहीं होता। वहाँ पर जितनी भी फसलें बनाई इनकी उन्नतशील जातियाँ और उन्नतशील तकनीकियाँ उपलब्ध हैं और इनकी समय समय पर हम प्रशिक्षण के द्वारा किसानों के यहाँ गोष्ठी करके जानकारी देते रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो किसान भाई शुरुआत करना चाहते हैं सीमैप से जाकर विधिवत प्रशिक्षण ले सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंपरागत खेती से हट करके औषधि पौधों की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद। खेती किसानी की जानकारी के बाद आइए जानकारी लेते हैं मौसम की। किसान भाइयों, प्रदेश में दिन आरामदायक और धूप में बना रहेगा। प्रदेश में सुबह का मौसम सुहावना होगा जबकि धूप निकलने के बाद तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट बादल भी छाए रहने के आसार हैं। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों के अनुमानित तापमानों पर। लखनऊ का अनुमानित तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। इलाहाबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झांसी का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह वाराणसी का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल की कटाई कर लें। कटाई के बाद खेत को मूंग या चारे की फसल के लिए तैयार करें। गन्ने में पानी देकर निराई गुड़ाई का काम कर लें और साथ ही उर्वरक भी डालें। अरहर, जौ, सरसों, अलसी की कटाई करें। खेत की जुताई कर लें। जिन फसलों की कटाई हुई है उन्हें सुखाकर उड़वनी कर अनाज को सुरक्षित रखें। आम के बगीचों में पानी देते रहें। इस समय नींबू जातीय पेड़ों में सिंचाई बंद कर दें। ग्रीष्मकाल के भिंडी के बीजों की बुआई करें और दूसरी खड़ी फसलों की हर सप्ताह सिंचाई की व्यवस्था करते रहें। अगर अभी तक प्याज और लहसुन की खुदाई ना की हो तो कर लें। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।